हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 17 से 31 तारीख के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस वेट कर रही हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। एंड रीडिंग के एंड में आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से कुछ लव मैसेजेस दिए जाएंगे, ताकि इस बार उनके दिल के फीलिंग्स को आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो सके। ओके, सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में बिलोंग क्यों ना कर रहे हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर सिक्स ऑफ वांड्स का है। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर साफ दिख रही हैं, बहुत टाइम से अगर आप किसी इंसान के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो चाहे पहले का कोई क्रश हो, आपका एक्स हो, या फिर कोई भी और इंसान हो सकता है, बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है, बट दिख रही है मुझे किसी इंसान के लिए ना बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। कहीं ना कहीं आप सरफेस लेवल पर शो नहीं कर रहे थे, बट आपके दिल को ये बात पता है कि वो किसी के लिए इंतज़ार कर रहा है। आपका सोल कहीं ना कहीं किसी सोल को ढूंढता फिर रहा है जो जिसके साथ वो इमोशनली अटैच हैं। ओके, अभी भी तो आपका जो ये वेटिंग एनर्जी है ना, ये वेटिंग गेम है, ये ख़त्म होने वाला है 17 से 31 के बीच में। अगर आप किसी के तरफ से माफ़ी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, किसी के तरफ से कॉल टेक्स्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, कोई आपको कुछ सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजेगा इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो दिख रही है मुझे इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला है। ओके, कुछ लोगों का तो इंतज़ार ख़त्म हो भी गया है, दिख रही है, बस चीज़ें आगे बढ़ने की देरी है। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत हाई है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 17 से 31 बहुत ग्राउंडेड गुजरने वाला है, कोई भी एक्साइटमेंट या फिर कोई भी रशिंग एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, बहुत पीसफुल गुजरने वाला है, नॉट टू वरी। एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, एक्वेरियस की एनर्जी अलग से दिख रही है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। ओके, बॉटम द डेक से, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्स ऑफ वांड्स है। सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लड़की है, ये अपने धुन में खड़ी है, फाइन। एंड पीछे से एक लड़का घोड़े पे चढ़कर बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ रहा है इस इंसान को प्रपोजल देने के लिए। इस इंसान का सिक्स सेंस के दौरान इनको पता है कि पीछे से कोई अप्रोच करने के लिए इनके तरफ आ रहा है, इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है जो इनको पाना चाहता है, बहुत प्यार करता है, बट फिर भी ये इंसान ऐसे दिखा रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है, फाइन। तो यहाँ पर ये जो लड़की है, ये आपको दर्शाया जा रहा है, मतलब कि डेफिनेटली आपको पता है कि कोई इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, पाना चाहते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को ना इग्नोर करते फिर रहे हो। ओके, किसी इंसान की तरफ से कुछ इमोशंस हो सकते हैं आपको दिख रहा है, किसी इंसान का इनिशिएटिव्स हो सकता है आपको दिख रहा है, या फिर दिखने वाला है 17 से 31 तारीख के बीच में, बट कहीं ना कहीं आप चीज़ों को इग्नोर करने वाले हो। ओके, आप थोड़ा सा भाव खाते हुए दिख रहे हो, वो ज़रूरी भी है। एंड यहाँ पर मुझे दिख रही है कि इस टाइम पर अगर आप एक सिंगल पर्सन हो, अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हो, तो आपके घर में एक शादी का रिश्ता आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं। आपके घर वाले इस टाइम पर आपका रिश्ता किसी और जगह पर तय कर सकते हैं, किसी के साथ आपका शादी तय होता हुआ दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। एंगेजमेंट भी फिक्स हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप मन ही मन जैसे पार्टनर चाहते थे, जैसा रिलेशनशिप चाहते थे, जैसा सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे लव लाइफ की साइड से, मतलब कि आपके मन में डेफिनेटली कुछ फैंटेसी है आपके लव लाइफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ इस टाइम पर आप क्रिएट करने वाले हो खुद से। आपके लाइफ में वही चीज़ होने वाला है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपके लव लाइफ में इस टाइम पर डेडिकेशन, पैशन आपको नजर आएगा, फाइन। कोई एक इंसान इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ना प्लीज्ड होने वाले हैं आपके सामने, मतलब कि आप जो कहोगे, आप जो करोगे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, एंड इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होने वाले हो। आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सन हो, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आप चीज़ों को बहुत ओपनली शो नहीं करते हो, एंड इस टाइम पर करने भी नहीं वाले हो।
नेक्स्ट यहाँ पर है द स्टार का कार्ड। ये तो डायरेक्टली एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, मतलब कि इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में हीलिंग आती हुई दिख रही है। एंड अगर आप किसी के तरफ से रीयूनियन के लिए वेट कर रहे थे, कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, डिस्टेंस फिर से मिट जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, तो ऐसे टाइप्स के चीज़ें आपकी लव लाइफ में अचानक से होता हुआ दिख रहा है। पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से एंटर कर सकता है, या फिर बचपन का कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है अचानक से। कुछ चीज़ें, कुछ वाइब्स आपको ऐसे मिल सकता है जिसके दौरान आप बहुत हैप्पी फील कर पाओगे आपके लव लाइफ में, मतलब कि एग्जिस्टिंग लव लाइफ में। अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, कुछ खरोचे आ रहा था, पर्सन के साथ चीज़ें बेहतर नहीं हो रहा था, वो इंसान आपकी बात नहीं समझ रहे थे, चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा था, तो ऐसे मामलों में दिख रही है मुझे बहुत बहुत हद तक चीज़ें हील होता हुआ आपको दिखाई देगा 17 से 31 के बीच में। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने वाला है। एंड फिर से देखो, आपके मन में एक लव जनरेट होती हुई दिख रही है। आप अकेला बैठकर, वैसे तो आप अकेला खुद के साथ बहुत सारा टाइम बिताते हो, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है। एंड इस टाइम पर आप अकेला बैठकर थोड़ा सा सोचने वाले हो कि फिर से किसी के ऊपर इन्वेस्ट करना क्या सही रहेगा, फिर से किसी को अपने लाइफ में जगह देना, फिर से किसी के बारे में सोचना, फिर से एक रिलेशनशिप में एंटर करना, या फिर से चीज़ों को बेहतर कर लेना, पास्ट में जो हुआ है सब कुछ भूल भाल के एक नया शुरुआत कर लेना क्या सही रहेगा या फिर नहीं। तो ये एक एनर्जी मुझे मिल रहा है। देखो ये एनर्जी ना वाइस वर्सा भी दिख रही है, जो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप जिस इंसान को प्यार करते हो, पाना चाहते हो, कहीं ना कहीं वो इंसान भी इस टाइम पर यही सोच में डूबे रहेंगे। साथ में आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान भी यही वाइब्स में रहते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप दोनों का थॉट्स कहीं ना कहीं सेम होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, इस चीज़ को आप बहुत जल्द समझ पाओगे। एंड वो इंसान काइंडली समझ भी गए हैं, जिस वजह से फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर अनुभव कर पाओगे, ग्राउंडेड लव को इन्जॉय कर पाओगे, जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होगा, जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव बातें होगा, लव होगा, रोमांस होगा, प्यार होगा। ओके, इस टाइम पर ये इंसान अपने फैमिली के साथ आपका इंट्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हो। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत क्लियरली आपके लव लाइफ में इस टाइम पर आप होता हुआ देख पाओगे। कोई भी हेजीनेस मुझे नहीं दिख रही है, जो भी होगा सामने होगा, कुछ भी पीठ पीछे नहीं दिख रही है कि कोई इंसान आपसे चीट करने के लिए आ रहे हैं, या फिर इंटेंशन ख़राब हैं, या फिर कुछ भी आपसे मनवाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ें, कुछ भी एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, देख लेते हैं जो इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से कुछ लव मैसेजेस कि वो क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या कहना चाहेंगे 17 से 31 के बीच में। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर तुम हो उसमें शामिल, वरना मर के भी चैन नहीं, अगर तुम ना हो मुझे हासिल। ओके, सो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर रहने का मन नहीं होता, कोई किसी को नहीं समझता, मुझसे अभी और सहन नहीं हो रहा, तुम मुझे यहाँ से ले चलो कहीं दूर। ओके, तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं, इनके सराउंडिंग इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, हो सकता है इनके फैमिली के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर नहीं चाहते हैं कि आप या फिर नहीं चाहते हैं कि ये इंसान लव मैरिज करे आपके साथ, या फिर आपको लेकर कुछ सोचे। फाइन, ऐसा भी हो सकता है। अब तो मेरा एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारे साथ मेरा या फिर मेरी शादी हो, 2-4 बच्चे हो, हमारा एक छोटा सा घर हो, बस। डेफिनेटली ये इंसान भागने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, समाज नहीं मानते हैं, देखो कुछ लोगों का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों का इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, जिस वजह से ये इंसान ऐसा कुछ ख्याल रख रहे हैं। अगर आप राज़ी हो तो सही है, आप इनके लाइफ में शामिल हो तो सब कुछ सही है, इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये इंसान आपके साथ दूर जाकर कहीं पर एक घर बसा लेंगे, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, खुदा की कसम, तुम्हें देखते ही मुझे कुछ हो जाता है, पता नहीं तुम कब ये बात समझोगे। ओके, सो यस,
ये इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब भी आपकी याद आते हैं, जब भी आपका तस्वीर देखते हैं, आई नो इट्स माई फॉल्ट, तुम्हें छोड़ के जाना मेरी सबसे बड़ी गलती है, उस दिन के बाद से अभी तक तड़प रहा हूँ, क्या माफ़ कर सकते हो? फाइन, तो हो सकता है इन्होंने ही कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था पहले। तो ऐसा ही एनर्जी वाइब्स मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ ठीक ठाक है लव लाइफ में, ओके? सो बाय।